नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। 21वीं सदी की वैसे दुनिया जहां आधुनिक रूप से सभी देश मजबूत हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए एक दूसरे के प्रति घातक होते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया भर की नजरें रूस के प्रेसिडेंट पर है। सभी देश ये जानने के फिराक में जुटे हुए हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का अगला कदम क्या होगा, युद्ध का नया तस्वीर क्या होगा, क्या यूक्रेन को समाप्त करके ही पुतिन चैन की सांस लेंगे या पुतिन युद्ध पर विराम लगाकर ही दुनिया में शांति कायम करेंगे। परंतु ऐसा लग रहा है कि दुनिया की निगाहों में बारूद और निराशा की धूल झोंक कर पुतिन यूक्रेन को समाप्त करके ही दुनिया में शांति कायम करेंगे। एक ओर भारत और रूस के सगे रिश्ते की पहचान पूरी दुनिया में हो चुकी है, तो दूसरी ओर फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुए संवाद से दुनिया भर में हैरान कर देने वाला वाक्या सामने आया है। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने बताया कि यूक्रेन अभी और बुरा दिखेगा। दुनिया को चेताकर कहा है, रूस के कहर से दुनिया भर में आशंका की लहर इस तरह उफान पर है कि हर किसी को संशय में डाल दिया है कि यदि यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की ट्रेलर इतनी भयानक है तो फिल्म कैसी होगी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग ने अब विराट स्वरूप धारण कर लिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि एक तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हैं तो दूसरी ओर आने वाले समय में पश्चिमी मुल्क होगा, जिसके बाद से दुनिया भर में घातक खतरे की घंटी बजेगी, जिसे बंद करने के लिए सभी देश एक साथ बहुत जल्द मीटिंग करने को भी तैयार नहीं होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन के विराट सेना को पीछे धकेलने के आने वाले समय में ऐसे मुल्क जाल बिछाकर खड़े होंगे जिसके बारे में सोचना असंभव होगा। उन सभी देशों के युद्ध में आने के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। यूक्रेन पर लगातार जारी हमले से पुतिन सीधे तौर पर नाटो देशों को ललकार रहे हैं, जहां यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों समेत दुनिया के तमाम मुल्क हैं। परंतु पुतिन इन सभी शक्तिशाली देशों को झुकने की जगह झुकाने को तैयार है। वही इस चुनौती पर अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन हमले पर रूस के साथ बदला लेने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कर दिया है। बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट को तानाशाह बताते हुए आने वाले दिनों में भयानक परिणाम की चेतावनी जारी करते हुए भविष्यवाणी की है कि जंग का निर्णय किसके पक्ष में होगा यह वक्त तय करेगा। कभी भी युद्ध का परिणाम हथियारों से तय होता है। अभी देखा जाए तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन कमजोर और रूस फ्रंट लाइन पर सबसे ताकतवर देश नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहना मुश्किल होगा कि यदि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध हुआ तो महायुद्ध का बादशाह पुतिन होंगे या कोई और। वही दूसरी ओर बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन संकट को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल में रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश की है। एक और जानकारी से आपको अवगत करा दें कि भारत की तरफ से भी यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सीजफायर के आह्वान का समर्थन करते हैं, लेकिन बातचीत और कूटनीति से ही मसलों का हल निकलेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी न्यूज़।